अध्यक्ष महोदय संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव व्यवस्थाओं में बदलाव स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आज भारत के लोग चिंतित है कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है एक ऐसा देश जहां विश्व की 18 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या रहती है एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं सैकड़ों बोलियां हैं अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा हैं। जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है अध्यक्ष महोदय जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने अध्यक्ष महोदय जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा